हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है। इस प्रोजेक्ट में क्या है हमें देखना है। पहली बात तो ये प्रोजेक्ट है कहाँ का, प्रोजेक्ट का टॉपिक का क्या नाम है। तो वो टॉपिक का नाम है सिल्वर लाइन इज नॉट अ वैनिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करता है केरला स्टेट के बारे में। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है क्या, ये प्रोजेक्ट है सेमी हाई स्पीड ट्रेन। ठीक है, अच्छा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेमी हाई स्पीड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन एंड हाई स्पीड ट्रेन। ठीक है, पहले तो हमें यह बताना है कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो स्पीड का डिफरेंस है, सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड में। तो सेमी हाई स्पीड का जो स्पीड होती है 320 किलोमीटर पर आर होती है और इसकी होती है 220 किलोमीटर पर आर के अराउंड। ठीक है, अब क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट लाया गया है ये केरला स्टेट के लिए लाया गया है। ठीक है, अच्छा ये जो प्रोजेक्ट है ये केरला के एकदम नदन डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा साउथ में, जो उसका कैपिटल है उससे, मतलब उसका नदन है केसरगोड। ठीक है, उसका नदन है जो सबसे टॉप पे है केरला, यहाँ पे मैंने बनाया केरला का केसरगोड को कनेक्ट करेगा उसके कैपिटल से तिरुवनंतपुरम में। कितने टाइम में कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 530 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसको कवर करेगा 4 आवर्स में कवर करेगा। अभी जो डिस्टेंस से कवर होता है ये 12 आवर्स में कवर होता है। ठीक है, लेकिन सेमी हाई स्पीड ट्रेन आ जाएगी तो जिसकी स्पीड होती है लगभग रफली 200 से 220 किलोमीटर, तो ये 4 आवर में इसको कंप्लीट कर देगी। ठीक है, इसके बीच में टोटल केरला में 14 डिस्ट्रिक्ट है तो ये एटलीस्ट 11 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी, जो यहाँ पे लिखा है कि 11 आउट ऑफ 14 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक स्टॉपेज रहेगा जहां पे रुकेगी और वहां पे स्टॉपेज रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इसका कॉस्ट है, जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है, इसका जो कॉस्ट है ये 63,941 करोड़ का है। ठीक है, 5 साल का ये इतना कॉस्ट लगाना है 5 साल में, और इतना एनुअल कॉस्ट होता है केरला का, एनुअल बजट होता है केरला का हर साल का। ठीक है, तो ये बहुत हाई एम्बिशियस प्रोजेक्ट है केरला का। ठीक है, केरला इस पे वर्क कर रही है और ये इसको कर भी लेंगे। ठीक है, कनेक्ट कहाँ से कहाँ तक करती है, केरला के नॉर्थ में एकदम नदन डिस्ट्रिक्ट है केसरगोड को अपनी कैपिटल से तिरुवनंतपुरम से। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ये कहा जा रहा है कि ये जो केरला है ये जो कंसेप्ट है ये जापान के, जो जापान में हाई स्पीड कंसेप्ट लाया गया था ट्रेन का 1915 में, जिसको कहा गया है सिनकासेन, वहीं से लाया गया है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई चीज लाई जाती है। ठीक है, तो ये सब तो कुछ अच्छाइयां हैं कि डिस्टेंस को कवर करेगा, इससे टूरिज्म बहुत अच्छा होगा। अच्छा अब इससे फायदे क्या क्या हैं, फायदे अगर और देखेंगे तो इससे फायदा ये है कि लोगों का टाइम सेव होगा। अच्छा जो रश होता था अभी तक केरला में प्रॉब्लम क्या थी कि वहां पे बहुत सारे व्हीकल्स थे तो लोग रोड पे बहुत ज्यादा रश होता, तो इससे रश कम होगा। ठीक है, कहीं भी लोगों को जाना होगा तो लोग इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अच्छाइयां हो गई, रश कम हो जाएगा, बहुत टाइम सेव होगा, टूरिज्म को फायदा होगा क्योंकि केरला जो है वेस्टर्न घाट में आता है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब ये बनेगा तो बहुत सारे पेड़ की कटिंग होगी, जो ये प्रॉब्लम है, इकोसिस्टम पूरा पूरा खराब होगा। ठीक है, जो वहां पेड़ होगा, अब वहां पे लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, जिनका लैंड है उनको पैसा पे करना पड़ेगा, तो बहुत सारा इसमें जो होना आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम होनी है। ठीक है, लैंड एक्वायर में प्रॉब्लम होनी है। ठीक है, तो देखते हैं आगे की है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इसको कहते हैं सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। अच्छा है, प्रोजेक्ट की सोच अच्छी है, केरला स्टेट की सोच अच्छी है। ठीक है, और ये इस पे ध्यान भी दे रहे हैं और ये कंप्लीट भी कराएंगे। ठीक है, तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है, क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि नॉर्थ में सबसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो इसका नॉर्थ में है केसरगोड, कैपिटल क्या तिरुवनंतपुरम है, टोटल डिस्टेंस कितना है 530 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, टोटल 4 आवर्स में कंप्लीट कर देगी, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने 14, 11 डिस्ट्रिक्ट में ये जाएगी। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक इसका स्टॉप होगा। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी होगी, सेमी हाई स्पीड की स्पीड होती है 200 टू 220 किलोमीटर पर आर की, हाई स्पीड की स्पीड होती है 320 किलोमीटर पर आर की। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड, और इससे फायदा क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, टाइम सेव होगा। ठीक है, और लोगों को कुछ अच्छा देखने को भी मिलेगा। ठीक है, टूरिज्म को फायदा होगा, और क्या अच्छा होगा,
जॉब सिक्योरिटी होगी, जॉब कई सारे जॉब बनेंगे क्योंकि जहां जहां ये स्टॉपेज होगा वहां कई तरह के स्टेशन बनेंगे, तो स्टेशन में जॉब की गारंटी होगी, जॉब फैसिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब कुछ होगा